हे गाइस, कैसे आप? नमस्कार, तो फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो देखने थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा हटके है, और साथ बताऊं तो इन सब वीडियोस में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि नए नए वेपन्स को देखना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यार जानता हूँ ये सब बहुत ही खतरनाक चीजें होती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है इन सबको देखना, जैसे कि टैंक हो गए, मशीन गन हो गए, मिसाइल्स वगैरह हो गई, तो मुझे ये सब देखना अच्छा लगता है, इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे। क्योंकि आप भी जानते हैं टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, आप सोच नहीं सकते कि यार मिसाइल तो सब बंदूक की गोलियां निकलती है, कैसे निकलती है, एक एक जो पार्ट्स बनाए जाते हैं ना, तो इन सबके बारे में जानना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कि मतलब कि एक गन कैसे असेंबल होती है, कैसे क्या होता है, इन सबके बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है, और मतलब कि डिफेंस रिलेटेड चीजें हो गई, मुझे अच्छा लगता है जानना। तो आज जो हम देखेंगे 6 मोस्ट डेंजरस मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान। सच बताऊं, जब हमने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हमने सोचा था कि डिफेंस रिलेटेड हम ज्यादा वीडियो पे रिएक्शन देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आप उस पर पैर नहीं दे रहे, लेकिन हमने सोचा भाई अब चाहे भले ही एक दो लोग ही देखे, लेकिन हम इस पर जरूर देखेंगे यार, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, चलते हैं, मतलब वीडियो के स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं लास्ट में क्यों मुझे ज्यादा पसंद है। पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, दूसरा चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर ले, उस पर भी वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड गो। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हमेशा से ही मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि एक तरफ से इसे इंडिया जैसी एटमी ताकत से हमेशा अटैक का खतरा रहता है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तालिबान की दहशतगर्दी का खौफ मंडलाता रहता है। वहीं ईरान की तरफ से भी मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं। हर तरफ से खतरों में घिरे हुए मुल्क पाकिस्तान को फिर अपना दिफा मजबूत से मजबूत तरीन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान के पास मौजूद ऐसे खतरनाक और जदीद मिसाइल्स के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से इंडिया जैसा खतरनाक दुश्मन और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखती। मगर इन पाकिस्तानी मिसाइल्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, नसर। दोस्तों, पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, और इस लिक्विड फ्यूल की वजह से इन मिसाइल्स को चलाने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। मगर नसर नामी इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को चलाने के लिए आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है। इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक है, और ये मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है। दोस्तों, ये मिसाइल इसलिए बनाया गया था कि अगर इंडिया जैसा करीबी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है और इंडिया की फौज पाकिस्तान में दाखिल होती है, तो पाकिस्तान इंडिया की फौज पर नसर मिसाइल से हमला करेगा। थोड़े फासले तक मार करने वाला ये जोहरी मिसाइल इंडिया की फौज को बॉर्डर पर ही नेस्तो नबूद कर देगा। इसी वजह से इंडिया इस मिसाइल से बहुत खौफजदा होता है, और पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का कभी ख्वाब भी नहीं देखता। इसके अलावा ये मिसाइल मोबाइल लॉन्च पैड से चलाया जाता है, जिसकी वजह से इसे मुल्क के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। नंबर 5, अबाबील। दोस्तों, नसर के बाद अबाबील मिसाइल पाकिस्तान के दिफा को और मजबूत बना देता है, और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा मिसाइल है जिसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अबाबील नामी इस मिसाइल की खसूसियत ये है कि ये मिसाइल 5 एटम बम इकट्ठे ले जा सकता है। इस हैरानकुन मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर तक है, और ये अपने टारगेट को परफेक्टली हिट करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसके अलावा अबाबील मिसाइल इंडिया का 95% हिस्सा कवर करता है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के किसी भी इलाके पे ये मार करने की सलाहियत रखता है। अबाबील में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से भारत काफी परेशान है, क्योंकि भारत का एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे ही एंटी मिसाइल सिस्टम इस मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है, तो ये मिसाइल छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, और यही छोटे छोटे टुकड़े फिर मिसाइल्स बन जाते हैं, और फिर इतने सारे छोटे छोटे मिसाइल्स को रोकना एंटी मिसाइल सिस्टम के बस की बात नहीं। यही वजह है कि अबाबील मिसाइल भी पाकिस्तान के दिफा को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। नंबर 4, गौरी। दोस्तों, पाकिस्तान में मिसाइल बनाने के इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें से एक मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कदीर की टीम के मतहत बनाया जा रहा है, और इस टीम में माहिर तरीन इंजीनियर्स और साइंसदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस मिसाइल का नाम गौरी है, जिसमें लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है, और इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल के कम्प्लीट होने के बाद पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल आ जाएगा जो कि
ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हामिल होगा। यानी कि इस मिसाइल की इतनी रेंज होगी कि इसे एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक मार किया जा सकेगा। इस मिसाइल के बनने के बाद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, हत्ता के अमेरिका तक भी हमला करने की सलाहियत का हामिल हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी 1 मिसाइल तैयार किया था और इस मिसाइल को 6 अप्रैल 1998 में टेस्ट किया गया था और गौरी 1 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से कहीं से भी फायर किया जा सकता है। गौरी 1 मिसाइल 1000 किलोग्राम के वारहेड के साथ 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद अप्रैल 1999 में गौरी 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया और इसे भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से मुल्क के किसी भी कोने से फायर किया जा सकता है। गौरी 2 मिसाइल 1800 किलोग्राम के वारहेड्स के साथ 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद गौरी 3 बनना शुरू हुआ और इसका कामयाब टेस्ट 29 सितंबर 1999 में किया गया, मगर ये टेस्ट सिर्फ इसके इंजन का टेस्ट था और इसकी रेंज का टेस्ट जून 2004 में किया जाना था। अच्छा। और गौरी 3 नामी इस मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है और ये मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड्स के साथ 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और 1998 से तैयार किया जाने वाला ये मिसाइल आज तक टेस्ट नहीं किया जा सका और इसी मिसाइल की वजह से पाकिस्तान को मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल हो चुका है। नंबर 3, टीपू। दोस्तों, अब मैं जिस मिसाइल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस मिसाइल की खसूसियात को सुनकर पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी कांप जाता है। टीपू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से फायर किया जा सकता है और इस मिसाइल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम का एटम बम उठाकर 7000 से 8000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और दोस्तों, अगर इस मिसाइल पर वारहेड के वजन को कम कर दिया जाए तो आपका ये टीपू मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक भी अपने निशाने को मार कर सकता है। और आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि इस दुनिया पर मौजूद जितना भी खुश्की का हिस्सा है उधर किसी भी जगह पर मार की जा सकती है। और यही वजह है कि टीपू मिसाइल की वजह से पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। नंबर 2, शहीन। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर को हटाया गया तो इनकी जगह पर डॉक्टर समर मुबारक ने मिसाइल प्रोग्राम्स को संभाल लिया। इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम शहीन मिसाइल का भी था और इस शहीन मिसाइल पर काम जारी है जिसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है और जिन मिसाइल्स में सॉलिड फ्यूल वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उन मिसाइल्स का साइज भी काफी बड़ा होता है। दोस्तों, डॉक्टर समर मुबारक शहीन प्रोग्राम के तहत शहीन 1 मिसाइल तैयार कर चुके हैं और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके बाद शहीन 2 भी तैयार किया गया जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक मार करने की है। इसके बाद 2002 में शहीन 3 भी तैयार कर लिया गया जिसमें मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर्स का इस्तेमाल किया गया और शहीन 3 मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड्स के साथ 4000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों, इधर आपको एक बात बताता चलूं कि अक्सर मीडिया पर लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि शहीन 3 की रेंज 2700 किलोमीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल जाक भुट्टी का कहना है कि शहीन 3 की रेंज 4500 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल ऐसा है कि इसमें मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा शहीन मिसाइल भी गौरी मिसाइल्स की तरह एटमी वॉरहेड्स होते हैं और इन्हें भी मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए कहीं से भी फायर किया जा सकता है। कुछ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि शहीन 3 इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल का जवाब है। नंबर 1, तैमूर। दोस्तों, पाकिस्तान अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी तकमील के बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अपनी गंदी नजर पाकिस्तान पर से हमेशा के लिए हटा लेगा। दोस्तों, ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल ये मिसाइल 2017 में बनाना शुरू कर दिया गया था और इस मिसाइल का नाम तारीखी इस्लामी फातह अमीर तैमूर के नाम पर रखा गया और 2018 में तैमूर मिसाइल पर काम तेज कर दिया गया और इस मिसाइल को 2027 तक टेस्ट कर लिया जाएगा और 2028 तक इसे बकायदा सर्विस में शामिल भी कर लिया जाएगा। ये मिसाइल भी पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल जैसी खसूसियात रखता होगा और इस मिसाइल में भी MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये मिसाइल भी इंडिया के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देने के लिए तैयार किया जा रहा है और तैमूर मिसाइल में ये सलाहियत मौजूद है कि ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। इसके अलावा तैमूर मिसाइल में जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
इस्तेमाल किया गया है जिनकी मदद से इस मिसाइल को जो भी टारगेट दिया जाएगा ये उसको हर हाल में हिट करके ही रहेगा। इस मिसाइल के बारे में एक और खास बात ये भी है कि इसे जमीन के अंदर से लॉन्च किया जाएगा जिसे सिलोस भी कहा जाता है और इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा ये 500 से लेकर 800 टन तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता होगा। इसके अलावा ये मिसाइल मार्क 20 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। इस मिसाइल के कंप्लीट हो जाने के बाद पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हद तक ताकतवर तरीन मुल्क हो जाएगा। तो दोस्तों इन तमाम मिसाइल्स के बारे में जानने के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान अब तक ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल हो चुका है मगर पाकिस्तान इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया जाता है तो अमेरिका और ऐसी दूसरी पावर्स की तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और इस मुल्क की माशी हालत इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि ये ऐसी पाबंदियों का सामना कर सके। इस वजह से पाकिस्तान ICBM टेक्नोलॉजी का सरेआम ऐलान नहीं करता। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के पास मौजूद खतरनाक तरीन मिसाइल में से कुछ और इसके अंदर से तो हमें अच्छे मतलब कि पहला NASR वाला पता था, गौरी पता था, साइन पता, ये तीनों मुझे बहुत अच्छे से पता था और ये लास्ट में इन्होंने बताया कि ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जो कि अपने आसपास के काफी देशों को निशाना बना सकता है और बहुत दूर तक बना सकता है। तो इनके पास वो सिस्टम भी है लेकिन इन्होंने वो उसका मतलब कि अनाउंसमेंट नहीं करा जो भी है, शायद यही बोलना चाहते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स यार मुझे समझ नहीं आया, ज्यादा उर्दू में थे ना तो ज्यादा वो समझ नहीं आया कुछ वर्ड, लेकिन हाँ यार मैं बोलता हूँ कि ये मिसाइल्स वगैरह देखने में काफी अच्छे लगते हैं लेकिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये सब मतलब कि ना चले किसी भी कंडीशन में, युद्ध वगैरह हो यार अभी तो कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी यार, बिल्कुल युद्ध वगैरह ना होती है ये यार जंग वगैरह बहुत ज्यादा। तो एक चीज तो बड़ा ये लगा कि आज से 100-150-200 साल किसी ने सोचा होगा कि इस टाइप की मशीन है, इस टाइप के ये बात तो सही है, इस टाइप की गाड़ियां हैं कि जो भाई एक बार लॉन्च करने से सब कुछ तबाह कर सकती है, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो यही चीज है कि साइंस में यही देखने में बड़ा मजा आता है, मैं खुद घर पे भी रहता हूँ तो काफी यही सोचता हूँ भाई आज से किसी ने सोचा होगा इतने साल पहले भाई ये होगा, ये इतना भयंकर उड़ेगा और इतना मतलब कि ये सब सोच के बहुत अच्छा लगता है कि 100 साल पहले वाले लोगों को अगर ये दिखाया जाए तो कैसा रिएक्शन देंगे, क्या सोचेंगे इस बारे में। तो ये थी आज की वीडियो और बहुत अच्छा लगा, अगर इस रिलेटेड आपको और भी पता है ना तो प्लीज बताएं। और हाँ ये बोल लेते हैं ना कि मतलब कि वो दुश्मन ये अब उतना रहा नहीं यार, मतलब जितना नहीं भाई नो डाउट आपको पता है, हमें पता है कि हाँ मतलब कि हालत सही नहीं है देश के बीच में, बहुत पहले जब से हम अलग हुए हैं तब से ही सेम वैसे हालत है लेकिन अब उतना मतलब कि वो खतरनाक वाला सीन अब उतना नहीं रहा है क्योंकि इंडिया का भी ध्यान दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट हो गया है मतलब कि युद्ध के दौरान, और हमारे बीच में जो है वो है ना वो थोड़ा कम होते जा रहा है। इस बात पे आप क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है भाई, वैसे वैसे कमेंट मत करना भाई, ठीक है, मेरा मकसद है कि मुझे बस टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है इसलिए मैं देखता हूँ, तो वैसे वैसे भाई कमेंट वमेंट मत करना, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू सो मच।